क्वेश्चन नंबर 21वां है, 2.2 का ये लास्ट प्रश्न है एमसीक्यू का। टेन इनवर्स रूट तीन माइनस कोट इनवर्स माइनस रूट तीन बराबर खाली जगह है। यहाँ पर पहले सवाल लिख लेंगे, तो आपका जो टेन इनवर्स है, टेन इनवर्स रूट तीन माइनस कोट इनवर्स माइनस का रूट तीन, ठीक है, टेन इनवर्स रूट तीन और माइनस कोट इनवर्स माइनस रूट तीन, इसका मान निकालना है। तो पहले टेन इनवर्स रूट तीन जैसे था वैसे के वैसे लिख लिया, अब कोट, अब देखना माइनस का चीज लिख लिया, कोट इनवर्स माइनस एक्स बराबर पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, एक्स के स्थान पे रूट तीन है, रूट तीन लिख दिया। अब यहाँ पर टेन इनवर्स रूट तीन कितने अंश का मान होता है, टेन पाई बाई थ्री 60 अंश का मान होता है, माइनस यहाँ पर पाई माइनस कोट इनवर्स, अब ये कोट कितने अंश का मान होता है, 30 अंश का, मतलब पाई बाई सिक्स का मान होता है। यहाँ टेन इनवर्स से टेन कैंसल, पाई बाई थ्री माइनस यहाँ पर आपका पाई, फिर माइनस यहाँ पर कोट इनवर्स से कोट कैंसल, आपका पाई बाई सिक्स, यहाँ पर पाई बाई थ्री माइनस का पाई, फिर माइनस माइनस प्लस पाई बाई सिक्स। अब यहाँ पर देखो हल करेंगे, ये पाई बाई थ्री मतलब 60 अंश, पाई बाई सिक्स मतलब 30, 60 और 30 90 मतलब पाई बाई टू माइनस पाई। अब जब इसको हल करेंगे तो माइनस का पाई बाई टू आएगा, और माइनस का पाई बाई टू मतलब कौन सा विकल्प गिना जाएगा, बी विकल्प गिना जाएगा, ठीक है। अब 2.2 आपका कंप्लीट हो गया है, और अब हम लोग उदाहरण पढ़ेंगे इसके, उदाहरण नंबर तीन। उदाहरण एक और दो आप लोग पढ़ चुके थे 2.1 के पहले, उदाहरण नंबर तीन है सिद्ध करो। उदाहरण नंबर तीन में क्या है, सिद्ध करना है, सिद्ध करो। पहला प्रश्न है, सिद्ध करके लाना है, पहला प्रश्न है साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, आपको क्या सिद्ध करके लाना है, 2 साइन इनवर्स x, और दूसरा हमको क्या सिद्ध करके लाना है, साइन इनवर्स 2x फिर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर क्या लाना है, 2 कोस इनवर्स एक्स लाना है। ये दो प्रश्न है सिद्ध करने के लिए, तो इसमें पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो पहला प्रश्न जो देखेंगे आपका क्या है, साइन इनवर्स 2x इंटू रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मान हमको निकालना है। अच्छा देखना ध्यान से, इतना बराबर हमको सिद्ध करके लाना है 2 साइन इनवर्स एक्स, इसलिए यहाँ पर मानेंगे, माना x बराबर साइन थीटा, इम्प्लाइज दैट थीटा का मान निकालेंगे, तो आपका क्या आएगा, साइन इनवर्स x आएगा। अब यहाँ मान रखो तो साइन इनवर्स 2 x के स्थान पे क्या लिखेंगे, साइन थीटा, और रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा का वर्गमूल क्या हो जाएगा, कोस थीटा। अब यहाँ पर क्या आएगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कोस थीटा बराबर क्या आएगा, साइन 2 थीटा आएगा। अब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा क्या, 2 थीटा, यहाँ पर 2 थीटा का मान अपने रखेंगे तो आपका क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स, यही आपको सिद्ध करके लाना था, ठीक है। अब इसका देखना दूसरा सवाल है, दूसरे सवाल में आपको फिर वही सवाल है, साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन इस बार सिद्ध करके लाना है बराबर 2 कोस इनवर्स एक्स, इसलिए अब मानेंगे, माना x बराबर कोस थीटा, तो इंप्लाइज दैट थीटा का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, कोस इनवर्स x आएगा। अब ये मान उठा के रखेंगे, यहां पर देखना ध्यान से, साइन इनवर्स 2x के स्थान पे cos थीटा, फिर रूट में 1 माइनस क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे, साइन इनवर्स यहाँ पर 2 cos थीटा, अब 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा का वर्गमूल रूट के अंदर है, साइन थीटा होगा। अब यहाँ पर देखना, साइन इनवर्स, अब 2 cos थीटा साइन थीटा या 2 साइन थीटा cos थीटा बराबर क्या आएगा, साइन 2 थीटा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, 2 थीटा, 2 थीटा का मतलब 2 cos इनवर्स x, ये आपका रूट हुआ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर, अपने उदाहरण नंबर 4 पढ़ेंगे, तो उदाहरण नंबर जो 4 है इसमें सिद्ध करके लाना है, प्रूव दैट, सिद्ध करो, tan इनवर्स 1/2 धन टेन इनवर्स 2/11 बराबर सिद्ध करके लाना है टेन इनवर्स 3/4, कितना सिद्ध करके लाना है, टेन इनवर्स 3/4, ठीक है। तो यहां पर देखना, आपका टेन इनवर्स 1/2 लिख दिया धन
टेन इनवर्स 2/11 लिख दिया। अब यहाँ सूत्र अप्लाई करेंगे, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई बराबर क्या आएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई बटे में वन माइनस एक्स वाई, एक्स वाई मतलब 1/2 गुणे 2/11। अब यहां पर देखना आगे टेन इनवर्स लिख देंगे, यहां पर देखना 2 से 2 काटना नहीं, यहां ऊपर तिरछा गुणा करना, यहां नीचे का गुणा करके फिर ऊपर, 11 एकम 11 प्लस 2 दूनी 4 और नीचे का नीचे आपका 22 हो जाएगा, यहाँ 11 दूनी 22 का गुणा करेंगे, 22 एकम 22 माइनस का 2 और नीचे 2 गुणे 11 से नीचे का 2 गुणे 11 कैंसिल हो जाएगा, यहां पर आपका क्या आएगा टेन इनवर्स 11 और 4 कितना हो जाएगा 15 और बटे में 22 में से 2 घटेगा कितना आएगा 20। अब इसको जब अपने सोल्व करेंगे तो आपका आएगा क्या टेन इनवर्स, यहां पर देखना 5 से कटेगा 5 3 15 5 4 20 यहां पर टेन इनवर्स कितना आएगा 3/4 और ये आपका जो सिद्ध करने वाला था टॉपिक वो आपका आ गया। ठीक है, अब उदाहरण नंबर आपका आएगा पांचवा, महत्वपूर्ण उदाहरण है पांचवा, एग्जाम्पल 5 मान ज्ञात करो, मान ज्ञात करो मतलब सरल करो, सरल करना है और सवाल है टेन इनवर्स ऊपर है कॉस एक्स और बटे में आपका क्या है 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है चलो, तो पहले सवाल लिख देंगे टेन इनवर्स कॉस एक्स बटे में 1 माइनस साइन एक्स। अब यहां पर देखना टेन इनवर्स, अब यहां पर कोस थीटा के 3 सूत्र होते हैं तो कोस थीटा बराबर आप क्या लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब बटे में 1 को आप लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा धन साइन स्क्वायर थीटा मतलब एक्स बाई 2 करके, और माइनस साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे आगे, तो आगे देखना टेन इनवर्स, अब ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पहले ब्रैकेट में कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 और दूसरे ब्रैकेट में गुणनखंड किया जा रहा है कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। ठीक है, और बटे में आपका देखना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 से कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या टेन इनवर्स ऊपर आएगा कोस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 और नीचे क्या बचेगा कोस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2। ठीक है, अब इसको टेन में कन्वर्ट करेंगे तो टेन में कन्वर्ट करने के लिए अंश और हर के प्रत्येक पद में कोस एक्स बाई 2 से भाग देंगे, यहां पर देखना कोस एक्स बाई 2 बटे में कोस एक्स बाई 2 फिर प्लस साइन एक्स बाई 2 बटे में कोस एक्स बाई 2, ये अंश में भाग दिया, ठीक इसी तरह से हर में भाग देंगे कोस एक्स बाई 2 बटे में कोस एक्स बाई 2 और माइनस साइन एक्स बाई 2 बटे में क्या कोस एक्स बाई 2, अंश और हर के प्रत्येक पद में कोस एक्स बाई 2 से भाग दिया गया, यहाँ टेन इनवर्स अब यहां पर 1 आएगा 1 प्लस टेन एक्स बाई 2 बटे में 1 माइनस यहां पर क्या आएगा टेन एक्स बाई 2। अब 1 टेन 45 अंश का मान होता है तो टेन इनवर्स 1 को लिख सकते हैं tan 45 मतलब tan पाई बाई 4 प्लस tan x बाई 2 और यहां बटे में देखना 1 लिख दिया माइनस, अच्छा tan x बाई 2 को 1 गुणे tan x बाई 2 लिख सकते हैं, जो 1 गुणे लिखेंगे उस 1 का मतलब tan पाई बाई 4 45 लिख दिया इंटू tan x बाई 2। अब देखना ये आपका tan इनवर्स, अब देखना tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b बराबर tan ए प्लस बी, अब यहां टेन इनवर्स से टेन कैंसल हो जाएगा तो यहां पर आएगा क्या पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। ठीक है, यह आपका उदाहरण नंबर 5। अब देखना उदाहरण नंबर जो 6 7 ये थोड़े से लंबे सवाल है, एक उदाहरण 8 देख लेना है, छोटा सा है उदाहरण नंबर 8 मान ज्ञात करना है, मान ज्ञात करो और सवाल आपका क्या है कोस ब्रेकेट में सेक इनवर्स एक्स
प्लस कोसेक इनवर्स एक्स, इसका मान निकालना है। सवाल को अपने लिख लेंगे। अब यहां पर देखना, कोस का कोस लिख लिया, अब सेक स्क्वायर सेक इनवर्स एक्स धन कोसेक इनवर्स एक्स बराबर आपका क्या होता है, पाई बाई टू होता है। यहां पर कोस पाई बाई टू मतलब कोस नब्बे, और कोस नब्बे अंश का मान कितना होता है आप लोगों को मालूम है, शून्य। दैट्स योर आंसर। ओके।